हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन उसे भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको बोला है द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH फेल टू अग्री एंड द डिफरेंस 20,570 वाज पुट इनटू सस्पेंस अकाउंट पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन व्हिच डिस्क्लोज्ड दैट। अब इसमें आपको 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके आपको जर्नल्स बनाने हैं एंड करेक्ट करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, जिससे कि आपका जो सस्पेंस अकाउंट है 20,570 का वो सारे करेक्ट अकाउंट में चले जाए। तो मैं अब एक एक पॉइंट पढ़ के उसका जर्नल्स एंड रेक्टिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपको दिया है ट्रायल बैलेंस जो है मिस्टर WNH का फेल टू अग्री एंड डिफरेंस ऑफ 20,570 वाज पुट इनटू सस्पेंस अकाउंट। सो हम लोग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही कर रहे जर्नल्स, तो सस्पेंस अकाउंट आएगा इसमें। सो अभी जो भी हम लोग को एंट्रीज दिया हुआ है यहाँ पे टोटल 9 एंट्रीज है, इसका हम लोग को करेक्ट एंट्री पास करना है, जिससे कि जो डिफरेंस था 20,570 का वो जो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें चले जाए। सो स्टार्ट करते पॉइंट 1 से। परचेज रिटर्न्स डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड and total at 6,160 but had not been posted to the ledger. So purchase return day book जो है उसमें amount correctly entered and totaled भी है जो है 6,160 but वो ledger में post ही नहीं हुआ। So हम लोग को ledger में post करना होगा वो। So हम लोग suspense account को debit करेंगे to return outwards account करेंगे। Suspense account debit to रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 6,160। एंड इसमें हमें नरेशन नहीं देना क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया लास्ट लाइन में आपको यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन। सो नरेशन का काम नहीं अभी यहाँ। एंड रिटर्न आउटवर्ड हो गया आपका यहाँ पे डेबिट जो होता है परचेज रिटर्न डे बुक का। चलते पॉइंट 2 पे। सर सेकेंड पॉइंट में आपको दिया डिस्काउंट रिसीव्ड 1,320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, हमें क्रेडिट करना होगा वो, एंड डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट करेंगे। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो इसका एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट अलाउड। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट received account to discount allowed account। discount received and discount allowed दोनों में जाएगा 1,320 and इन दोनों का total 2,640 हम लोग suspense account में लिख देंगे। चलते third entry पे। अब यहाँ आपको दिया सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000 रुपीज। सो सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए से कम है। सो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 10,000, नेक्स्ट एंट्री पे चलते फोर्थ। यहाँ आपको दिया क्रेडिट सील ऑफ 1,470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एट 1,740। सो यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, एंट्री सही थी। सो हम लोग को क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है हम लोग मतलब 1,470 करना चाहिए था, लेकिन हम लोग एक्सेस करें 1,740 का कर रहे हैं। सो इनका जो डिफरेंस है उस अमाउंट से कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो जर्नल ऐसा हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट एंड इसमें अमाउंट कैसे आएगा वो भी देख लो, 1,740 माइनस 1,470। सो 1,740 माइनस 1,470 करते हैं तो 270 का डिफरेंस आता है। सो हम लोग का यहाँ पे डिफरेंस 270 का है। बस ये डिफरेंस है, आपको कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना था जिससे कि जो ओरिजिनल अमाउंट है उस पर कस्टमर अकाउंट डेबिट हो गए रहे। पॉइंट 5 पे चलते हैं। इसमें आपको दिया है अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000
4 years ago and appreciated to 1200 rupees had been sold for 1500 in the beginning of the year, but no entries other than in the bank account had been passed through the books. So, इसका मतलब ये कि बैंक में एंट्री पास हो चुका है लेकिन हम लोग जो सेल कर रहे हैं उसका एंट्री पास नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस उसमें जितना है वो भी पास नहीं हुआ. सो हम लोग यहाँ पे अभी सेल का एंट्री पास करेंगे व्हीकल का. सो इसमें एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट का तो एंट्री पास है तो सस्पेंस अकाउंट हम लोग को डेबिट करना होगा. टू व्हीकल अकाउंट होगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा. सो व्हीकल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे यहाँ पे एंड व्हीकल का डेप्रिशिएटेड वैल्यू था 1200 रुपीज एंड ये सेल हो रहा है 1500 पे. सो सस्पेंस में तो 1500 जाएगा एंड जो डिफरेंस है इसका 1500 माइनस 1200 जो होता है 300, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. सो यहाँ हम लोग लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो यहाँ प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर दिया 300 का, सेल रिकॉर्ड कर दिया एंड टोटल अमाउंट जितने पे सेल हो रहा है वो कर लिया. सो ये एंट्री यहीं खत्म होता है. चलते हैं पॉइंट 6 पे. यहाँ आपको दिया है एन अक्रूअल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कम्प्लीटली ओमिटेड. सो टेलीफोन चार्जेस पे करना था 560 का, वो अभी तक हमने पे नहीं किया, अक्रूअल है. सो इसका एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि हम लोग का टेलीफोन चार्जेस एक एक्सपेंस है एंड इसका अमाउंट है 560. चलते सेवेंथ पॉइंट पे. इसमें आपको दिया है अ बैड डेट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23,390 with a credit provision for bad debts at 2,320. So, सबसे पहला एंट्री हम लोग ये 1560 का जो बैड डेट है जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है वो हम लोग कर देते हैं. सो उसका एंट्री हो जाएगा बैड डेट अकाउंट डेबिट. टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट है 1560. अब दूसरा एंट्री इसमें हम लोग को पास करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का. तो इसके लिए हम लोग को ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट. हम लोग को तो यहाँ 23,390 दिया है लेकिन हमने अभी यहाँ पे 1560 का बैड डेट रिटर्न ऑफ किया एंड इससे हम लोग का जो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है वो कम हो जाएगा. सो हम लोग इसका एक वर्किंग कर लेते छोटा सा. सो यहीं पर मैं करके दिखा देता हूँ वर्किंग आपको. वर्किंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो हम लोग को दिया हुआ है वो है 23,390 का, ठीक है. इसमें से हम लोग को लेस करना है ये बैड डेट जो 1560 का है, और इसमें एक और चीज लेस होगा और वो है कस्टमर का अकाउंट से जो पॉइंट नंबर फोर्थ पे है, नोट फोर में हमने कस्टमर अकाउंट को रुपीज 270 से ज्यादा दिखा दिया था सेल्स में. सो हम लोग उसे लेस करेंगे. सो 270 से हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएगा. सो अब जो टोटल आएगा जो हो जाता है 23,390 माइनस 1560 एंड माइनस 270 वो होता है 21,560. ये हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यू है. अब इस पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे. सो प्रोविजन क्रिएट करके मैं आपको बता देता हूँ कितना होगा. प्रोविजन इज इक्वल टू, हम लोग को 10% बोला है बनाने. सो प्रोविजन इज 10% ऑफ, हम लोग का बैलेंस क्या आया था 21,560 ट्रेड रिसीवेबल्स का. सो दिस इज इक्वल टू रुपीज 2,156. हम लोग को प्रोविजन तो बनाना है 2,156 का, बट हम लोग के पास कितना का पहले से प्रोविजन है 2,320 का एंड इसमें से हम लोग लेस करेंगे 2,156 विच इज इक्वल टू रुपीज 2,320 माइनस 2,156 164 रुपीज. सो 164 रुपीज से हम लोग का एक्सेस प्रोविजन था
तो हम लोग अब प्रोविजन लेस करेंगे क्योंकि हम लोग को प्रोविजन अब चाहिए 2156 का एंड हम लोग के पास 2320 का प्रोविजन पहले से था। सो हम लोग यहाँ जर्नल पास करेंगे। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जर्नल को, सेकेंड पार्ट उसका। सो यहाँ जर्नल हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इसका अमाउंट है 164 जो हम निकाले। सो यहां पर पॉइंट नंबर 7 पूरा खत्म होता है। इसके दो एंट्रीज हमने पास किया, एक बैड डेट का, एक प्रोविजन क्रिएट करने का। अब आगे पॉइंट 8 पे चलते हैं। इसमें आपको दिए टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेजेस। सो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, वो हम लोग परचेज क्रेडिट कर देंगे एंड टूल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो लूज टूल्स अकाउंट डेबिट, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड इसका अमाउंट है 1200। चलते लास्ट एंट्री पे, नाइन्थ। इसमें आपको दिया है द प्रोप्राइटर हैड विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स। तो एंट्री करना है तो ये हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है 1960। अब हम लोग सारे जर्नल्स पास करने के बाद यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले जो डिफरेंस आ रहा था 20,570 का, वो हम लोग ने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डाल दिया है और उसका करेक्ट एंट्री हमने पास कर दिया। सो सस्पेंस अकाउंट में हम लोग के पास बैलेंस दिया हुआ था, बैलेंस का। अब इसमें हम लोग जो जो सस्पेंस अकाउंट में डाले हैं वो हम लोग यहाँ एंट्री उसका पास कर देंगे। सो पहला तो था टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट परचेजेस वाला, $6,160 का। नेक्स्ट है टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट $1,320, to discount received account $1,320 का। then था sales account $10,000 का। फिर customer account का था जो difference था $270। then sale of vehicle वाला vehicle account 1200 एंड इसका प्रॉफिट का टू प्रॉफिट ऑन सेल 300 रुपीज का। सो इसका टोटल 20,570 आएगा, 6160 प्लस 1320 प्लस 1320 प्लस 10,000 प्लस 270 प्लस 1500 टोटल में ये हो गया 20,570। मतलब हमने सारे एंट्रीज करेक्ट पास किए। सो इसी के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलता हूं मैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड गाइस। brought down